ये बाइक ये हायाबुसा है भाई। हाँ कौन सा भूसा? हायाबुसा। अच्छा माधेपुर इधर से जाएगा क्या? माधेपुर माधेपुर सीधे। गजब ठीक है ठीक है सीधे एकदम ना एकदम घुसा देना एकदम ना। भाई आ गए हैं भाई के घर पे। ये रहा भाई का गिव अवे। सबसे पहले तो तो यार फिर एक नया दिन और फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। लगभग 2 वीक के बाद भाई मोटो व्लॉग कर रहे हैं और फाइनली भाई घर पहुंच गए। और लास्ट 2-3 वीडियो पे आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया, तो ऐसे ही सपोर्ट करना है। और ऐसे ही ये देखो भाई पागल ही ऐसे एकदम अचानक गाड़ी न देखा क्या ही बताऊँ यार। तो बाकी 2 हफ्ते से भाई मोटो व्लॉग नहीं आ रहा था और दिल्ली का 3 वीडियो पे आपने काफी अच्छा प्यार दिया है भाई। सही प्यार करना है हमारे हर वीडियोस को। और भाई अभी का प्लान क्या है ना, अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जोगबनी। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैंने 5K पर भाई शूज गिव अवे रखा था। इसका विनर हुआ है जोगबनी का एक आनंद सागर के लड़का है। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई उसी के पास उसको गिव अवे उसके हैंड ओवर करने के लिए। बाकी आगे बहुत सारा गिव अवे होने वाला है हमारे चैनल पे, तो स्टे ट्यून रहो। और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं भाई चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लो, बाकी आपका भाई ऐसे ही तबाही मचाता रहेगा। और आज का वीडियो का जो शुरुआत है ना भाई वो शाम से कर रहा हूँ, क्योंकि भाई कल मैं दिल्ली से आया ही हूँ और कल पूरा दिन मैंने रेस्ट लिया है। आज जाकर भाई थोड़ा सा थकावट दूर हुआ है तो मैं निकला हूँ। तो भाई अभी हम जोगबनी जा ही रहे थे कि रास्ते में ही हमारे 2 प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम मयंक हुआ। और भाई बच्चों में भी काफी ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है भाई अपने चैनल को लेके, तो वैसे आप लोग भी मिला करो तो मुझे रोका करो, मुझसे मिला करो, जैसा भी एक्सपीरियंस आपका रहता है भाई मेरे साथ शेयर किया करो, ताकि मुझे भी लगे नहीं यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट अभी जोगबनी हम पहुँच गए हैं, बस यहाँ से 2-3 किलोमीटर बचा हुआ है। और काफी खुशी भी हो रहा है यार कि मतलब अपने चैनल से ये पहला गिव अवे जा रहा है। बहुत सारा गिव अवे और भी होने वाला है अभी, तो स्टे ट्यून रहना, जैसा होगा भाई आपको आगे अपडेट देंगे। बाकी ऐसे ही भाई गिव अवे होता रहेगा हमारे चैनल पे, जिस चीज पे मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ ना, अब जाकर भाई वो रिजल्ट मुझे दिख रहा है और काफी अच्छा लग रहा है यार, काफी अच्छा लग रहा है। और 2-3 दिन पहले भाई बाबू भैया फिर से फॉरबिसगंज आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई हम उस टाइम दिल्ली में थे। तो बाबू भैया का मुझे फोन आया तो बाबू भैया कहते हैं कि भाई मेरा तबीयत खराब है, और हम लोग डायरेक्ट सिक्किम से भाई सिलीगुड़ी होल्ड नहीं किए हैं, तो फॉरबिसगंज में हमारा प्लानिंग हो रहा है रुकने का। तो आप जल्दी से मेरे लिए होटल अरेंज कर दो। अटैक से भाई रूम उनके लिए अरेंजमेंट किया सारा चीज भाई कॉल पे, और मैं अपने भाई लोग को फोन किया यहाँ पर कि जाओ जल्दी से बाबू भैया आए हैं, उनको रिसीव करो, उनको होटल दिलवाओ, उनकी तबीयत खराब है। तो कह सकते हैं भाई अपना इज्जत बच गया, मतलब दिल्ली में मैं था, मैं सोचा भाई कैसे मैनेजमेंट करेगा नहीं करेगा, लेकिन सारा चीज अच्छे से हुआ। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जोगबनी। ये भाई है आनंद शाह, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो भाई आ गए हैं भाई के घर पे, और ये रहा भाई का गिव अवे, ठीक है, और ये छोटा सा भाई सेलिब्रेशन तुम्हारे लिए। ठीक है अच्छा बढ़िया जी, पसंद आया ना? चलो भाई मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करना है जी भैया। तो भाई फिलहाल समोसा लेकर आए, और थैंक यू सो मच भाई इतना अरेंज करने के लिए। भाई मैंने सोचा बस समोसा ये तो और भाई करो यार। अरे भाई पूरा एकदम सेवा चल रहा है, देख रहे हो भाई इतना, मतलब हम लोगों का पेट इतना बड़ा नहीं है, साथ में खाना पड़ेगा, ठीक है, आ जाओ बैठो आनंद बैठो। भाई देख रहे हो प्यार, भाई का प्यार देख रहे हो। सबसे पहले तो मिठाई भाई मीठा बनता है, ठीक है, पूरा 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 खाओ, आ करो पूरा आ बड़ा वाला। बढ़िया है भाई। और हमारे कुछ भाई लोग भी आए हैं, क्या नाम हो भाई? रोहन भाई और प्रिंस भाई। जैसा कि भाई इम्तियाज भाई ने कमिटमेंट किया था 5K सब्सक्राइबर पे शूज गिव अवे का,
तो भाई विन कर गया है, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। सही भाई, गिव अवे और भी बहुत सारा होने वाला है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 50K और 100K पे भी एक अच्छा सा गिव अवे करें। भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें, फुल सपोर्ट बिहार के। भाई ये बंदा जो है ना भाई, सुपर एक्टिव बंदा है अपने चैनल पे। भाई नाउ इट्स टाइम टू लीव जोक बनी, और काफी अच्छा फील हो रहा है कि चलो भाई का गिव अवे उनके हैंड ओवर हो गया। तो भाई हमने जस्ट अभी आनंद सागर घर से निकल ही रहे थे कि भाई मिले, और ये भाई बोले भाई मतलब जबरदस्ती भाई घर पे लेके आए हैं, और भाई कह रहा है कि भाई चाय पिए बिना मत जाओ, भाई छोड़ दो यार, फिर कभी भाई साहब इतना सारा प्यार, इतना सारा प्यार सन्नी, अनबिलीवेबल यार। थैंक यू तुम लोगों का, थैंक यू भाई, ऐसे बाकी थैंक यू सो मच। चाय काफी अच्छा था भाई। और गाइस लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, बहुत मस्त मस्त कंटेंट आता है, ठीक है, बस सपोर्ट बनाए रखना भाई। थैंक यू सो मच भाई। भाई साहब आगे चेकिंग हो रहा है खतरनाक वाला, ये देखो भाई। ओ भाई हम भी रुके क्या, रुक जाए आप, जाइए कैसे, ये इंटरनेशनल रोड है ना भाई, यहाँ पर चेकिंग वगैरह होता रहता है, नॉर्मल सी बात है। और होता है क्या है ना कि बिहार में अल्कोहल भाई बैन है कम्प्लीटली, तो लोग करते क्या है ना कि नेपाल चल जाते हैं अल्कोहल लेने के लिए, तो इसीलिए चेकिंग वगैरह चलता रहता है। चलो भाई फॉरबिसगंज तो पहुंच गए, और हमारे कुछ भाई लोग हैं, हमारे कुछ लौंडे हैं भाई आगे खड़े हुए हैं, ये रहे शायद। और मिलिए हमारे बाबा से, जो कि फॉरबिसगंज में जो बाबू भैया आए थे, सारा मैनेजमेंट यही किया था। और मैंने मतलब बाबू भैया का जो फोन आया था ना भाई, यही भाई को अपने भेजे थे कि जाकर रिसीव कर लो बाबू भैया को। और भाई रात के 1 बजे, अरे भी जानता है क्या हुआ, सामने थाना के पास, थाना से थोड़ा जहाँ पे मूर्ति बनता है ठीक है, वहाँ पे हम देखे हैं इसको, हमको लगा सिटी रिक्शा आ रहा, हमारा गाड़ी 120 में था, और उसका गाड़ी भी सब वीडियो में हम देखे हैं। आप पेंट पहना था, तब वहाँ से तुम फोन किया, तब ग्रीन प्लाजा के पास। एक्चुअली क्या हुआ ना कि बाबू भैया जैसे फॉरबिसगंज पहुंचे तो मुझे फोन किए, और फिर हम परवेज को फोन किए जाके जल्दी से रिसीव कर लो, बाबू भी आ रखे हैं फॉरबिसगंज। सबसे पहले तू तो मुझसे खैनी निकालो। अरे अरे दादा दादा, अरे इंग्लिश, अरे भाई परवेज इंग्लिश लिख रहा है, परवेज बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। थैंक यू सो मच भाई इज्जत बचाने के लिए। अरे भाई इज्जत बच गया भाई, अगर कसम से बाबू भैया फोन किया, अगर अवेलेबल हम तो नहीं थे, अगर तुम लोग नहीं रहता ना भाई, तो कसम से खतरनाक वाला बेइज्जती हो जाता। हाँ ये तो बात है, वीडियो में भी बाबू भैया बोला विक्की भाई थैंक यू, उन्होंने सारा मैनेजमेंट किया, और वो अभी अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में है, तो दिल्ली में है वो, तो थैंक यू उन्होंने बाउंसर वाउंसर सब भेजा। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो गई है, और आज हम जा रहे हैं भाई मधुबनी के साइड, और भाई घर से हम एकदम सडनली निकले हैं, और मधुबनी में मुझे जाना है माधेपुर करके कोई जगह है, वहाँ पे जाना है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। क्या चीज, चैनल का नाम आपके? BR38 Rider। BR38 Rider ठीक है, सर्च करो। ये बाइक कितने की है? बाइक तो भाई 2.5 लाख का। फेवरेट बाइक है ना, हर जगह फायदा होता है अपना भाई। ये चैनल भाई सब्सक्राइब खुद से कर लो। माधेपुर कितना दूर है यहाँ से? मेरे को नहीं पता, मैं तो खुद से दिल्ली से हूँ। अच्छा दिल्ली से, दिल्ली से तुम परसों ही आए भाई, ये दिल्ली का ही है गुरुद्वारा, ये माधेपुर 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 ठीक है। हाँ ठीक है भाई, अंडर पास में भाई यही तो फायदा होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया बिहारी लैंग्वेज में वीडियो बनाइए, बिहार से है तो बिहारी लैंग्वेज में वीडियो बनाइए ना, तो ठीक है भाई, तो ठीक है भाई बिहारी लैंग्वेज में भी वीडियो बनाएंगे। बाकी
अब ये रास्ता हमको कहाँ लेके जाएगा हमको तो बिल्कुल भी नहीं पता भाई। चचा से पूछते हैं, चचा माधेपुर इधर से जाए क्या? माधेपुर, माधेपुर सीधे। ओ गजब, ठीक है चचा, ठीक है, ठीक छ। पूरा पानी खा ले भैया, मजा आ गया भाई। हम भी पान खा लिए भाई, अब यहाँ पे कंफ्यूज जाना किधर है भाई। अभी चचा से पूछते हैं, चचा माधेपुर जाना, माधेपुर हाँ। अब कौन अचड़ी पचड़ी हमको नहीं पता, माधेपुर जाना खाली। माधेपुर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे चचा। कौन सा जगह बोलेंगे? अरे बोलिएगा माधेपुर जाना है। माधेपुर ठीक है चचा, धन्यवाद चचा, धन्यवाद। एड्रेस है ना? माधेपुर। ए गजब, आधा घंटा लगबो नहीं करे, एकदम बिल्कुल सीधा दे, सीधे एकदम ना, बिल्कुल जतो गाछो वृक्ष हेते त पड़े फाड़े एकदम घुसा देना एकदम ना, फुल एकदम। क्या भाई राइडर लग रहे हम? मन ना वीडियो, ये देखो पर उसको क्या लिखा हुआ है, सर्च कर लेना ठीक है, याद करो, याद करो, रटते पे जाओ घर पे ठीक है। भाई बिहार के लोग कितने स्वीट होते हैं यार, आप लोग खुद देख लो यार, काफी स्वीट होते हैं। खास करके जो मिथिलांचल के लोग हैं ना, काफी स्वीट होते हैं, और जो मिथिला लैंग्वेज है ना, क्या ही बताऊँ, नेक्स्ट लेवल। अभी सुसु के लिए रुके हैं, और यहाँ पर भाई देख लो कुछ बच्चे हमको घेर रखे हैं। क्या पूछ रहे थे तुम अभी? बाइक का। ये बाइक, ये हायाबुसा है भाई। हायाबुसा। हाँ कौन सा भूसा? हायाबुसा। नहीं भाई हायाबुसा नहीं है, KTM है। एक बाइक और ना, मैं नहीं। चल ठीक है, बाय बाय। क्या नाम हो तुम लोग का? शिवम कुमार। शिवम बाबू, चलो बढ़िया। निंजा सुपर बाइक, अरे भाई गांव गांव में बच्चे बच्चे को पता है निंजा के बारे में, वाह जी वाह। बाकी भाई काम हो गया है और अब निकल चले हैं घर की तरफ। बाकी यहां से पहले मुझे जाना है सिमराही, वहां से कुछ भाई लोग फ़ोन कर रहे थे कि भैया आप इधर आए हैं तो मिलकर जाइए, तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम वहाँ पर भी रुके। बाकी फाइनली अपना जो काम था ना भाई, वो काम हो गया है। और भाई KTM का जो सस्पेंशन है ना, मतलब बिल्कुल भी ऑफ रोड के लिए नहीं है, ऐसा लग रहा ना भाई कि साइकिल पे चल रहे हैं। बिल्कुल भी ऑफ रोड के लिए नहीं है भाई। बाकी अपना बिहार तो काफ़ी बदल गया पहले से, लेकिन धीरे धीरे और भी ज़्यादा बदलेगा। अब भाई मछली मारने का निंजा टेक्निक देख लो भाई, गांव में KTM बाइक को ऐसा रिएक्शन मिलता है कि जैसे कि सुपर बाइक का रिएक्शन शहर में मिलता है। जिसके पास KTM है ना भाई, गांव चले जाओ अगर रिएक्शन देखना है तो। राइडर हिमसर भाई, क्या लो भैया, क्या लो भाई। यहां पर मिले हमारे कुछ भाई लोग, आबिद भाई है, वसीम भाई, और हमारा कैसर भाई है, आदिल भाई, और हमारा हीरा। ओह भाई साहब, फोरो 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 ओह भाई साहब, उड़ी भाई फ्लेम निकल रहा, देख रहे हो? उबा भाई, ओहो भाई साहब ये देखो, बाप भाई खतरनाक, भाई खतरनाक हो गया, हो गया भाई। बस बस बस, अरे भाई
भाई यहीं तक था आज का वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और हम लोग का प्लानिंग चल रहा है दिसंबर के लास्ट में हम लोग हो सकता है कि राइड करें, और आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर बताओ कि कहां का राइड आप लोगों को चाहिए। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि नेपाल राइड करें या सिक्किम राइड करें। जहां का कमेंट भाई सबसे ज्यादा आएगा, जो कमेंट आप लोग सबसे ज्यादा करोगे नेपाल जाना है कि सिक्किम जाना है, वहां का हम लोग राइड करेंगे। और काफी धमाकेदार राइड होगा भाई, 3-4-5 दिन 10 दिन समथिंग हम लोग स्टे करेंगे वहां पर, जहां भी राइड करेंगे और प्लेस विजिट करते करते जाएंगे भाई। आप लोग कमेंट करके बताओ, मुझे पता है आप लोग लाइक करते हो, लेकिन लाइक के साथ साथ भाई एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, आपके कमेंट से ना मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल आज का वीडियो बस यहीं तक था, कैसा लगा वीडियो भाई कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, तो फिर बाय बाय।